हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आप सबके लिए आज एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, वो है फिश करी। चलिए दिखाती हूँ क्या क्या चाहिए उसके लिए। मैंने फिश ले लिया, उसके लिए धनिया पत्ता, दो हरी मिर्च, हल्दी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, और मैं पहले से ही सरसों पीस के रखी थी, उसको छान के छन्नी में, और उसमें एक दो लहसुन पीस के और एक हरी मिर्च पीस के रखी हूँ, उसको छान के रखना है। चलिए पहले मछली को फ्राई करते हैं। गाइस, पैन गरम हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें तेल। तेल गरम हो रहा है तब तक मछली में हम नमक और हल्दी मिला लेंगे। बहुत ही कम टाइम में, बहुत कम मसाला में बहुत टेस्टी मछली सब्जी बनेगी। तो हमारा तेल गरम हो चुका है, अब मछली को फ्राई करना है। तो हमारा मछली एक तरफ फ्राई हो चुका है, इसको पलटना है। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना इस मछली को। मछली फ्राई हो गया। सॉरी गाइस, बताना भूल गई थी, इस मछली का नाम है चेला फिश। आप निकालना है प्लेट में। अब इसमें कलौंजी डालना है थोड़ी सी। कटी हुई हरी मिर्च, और जो हम लोग सरसों का पेस्ट उसमें छान के रखी थी छन्नी में, उसको डालना है। थोड़ी सी मिर्ची, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक मिक्स करना है। एक से दो मिनट तक पकाना है इसको। जो फ्राई किया हुआ मछली था उसको इसमें डालना है। ढक्कन ढक के 1 मिनट तक उसको फुल फ्लेम पे पकाना है। 2 से 3 मिनट हो गया, ढक्कन डाला है। देखिए गाइस, सब्जी की कितनी अच्छी कलर आई है, कितना अच्छा कलर हुआ है।
इसके ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ता डालिए। सब्जी रेडी, गैस बंद कर दीजिए। तो गाइस देखिए कैसे बने हमारी फिश कड़ी, जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताना कैसी बनी हमारी फिश कड़ी, और लाइक जरूर करना।